नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, आज हमारे पास यह टाटा ACE आया हुआ है। दोस्तों, इसके डिफरेंशियल में प्रॉब्लम आ गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ इसके टेल क्राउन को निकालना है, तो हम यहाँ दोनों एक्सल को खोलेंगे। तो यहाँ मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ कि इसके डिफरेंशियल में क्या दिक्कत आ गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने इसके क्रॉस को खोला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका टेल है, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर कर रहा है। तो दोस्तों, ये बैरिंग आप देख सकते हैं, ये छोटी वाली बैरिंग सही है और जो अंदर बड़ी बैरिंग है वह टूट गया है। ये आप देख सकते हैं, इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्ले हो गया है, जिसके वजह से गाड़ी रुक गई थी और इस गाड़ी को खींच कर लाया गया है। अब इस क्राउन को निकालने के लिए ये जो बोल्ट लगे हुए हैं, इन सभी को खोलना होगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, हमने एक्सल को बाहर निकाल लिया है। दोनों एक्सल को बाहर निकालना होता है, तो ये हमने दोनों एक्सल बाहर निकाल लिया है। अब उसके बाद हमारा टेल क्राउन बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हमने इसके सभी बोल्ट खोल लिए हैं, इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, बैरिंग टूटने की वजह से यहाँ काफ़ी डैमेज हो गया है। तो यहाँ हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसका टेल क्राउन ठीक है। यहाँ जल्दी से हम बैरिंग प्लेट को खोल कर बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ दोनों प्लेट के बोल्ट खोल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे क्राउन बाहर निकल गया और ये इसका टेल है। तो दोस्तों, ये जो बड़ी बैरिंग है यही ख़राब है, इसका टेल क्राउन बिल्कुल ठीक है। और ये जो बैरिंग है, ये वाला, ये भी ख़राब हो गया था। तो ये 30-7 नंबर का बैरिंग है, इसको हमने लगा लिया है। ये बैरिंग अपने पास था तो हमने इसको लगा लिया है। अभी टेल वाली बैरिंग को मंगाना है, तो इसे मंगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, हमने बैरिंग को मंगवा लिया है और टेल आयल सील को भी मंगवाया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका टेल आयल सील है। दोस्तों, इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। दोस्तों, हमने टेल क्राउन का धुलाई अच्छे से कर लिया है। दोस्तों, यहाँ टेल क्राउन में बाबरी आ गया है, तो इसे हम ग्राइंडर मशीन से सही कर लेते हैं। बैरिंग टूटने के वजह से इसमें प्ले हो गया, और जब प्ले हो गया तो ये दाता एक दूसरे पर टकराने लगा, जिसके वजह से इस पर बाबरी आ गया है। तो इसे ग्राइंडर मशीन से हल्का सा डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ जल्दी से इसको सही कर लेते हैं। दोस्तों, ये टेल बैरिंग है, इसका नंबर है M86649। तो इस बैरिंग को अब हम टेल में लगाएंगे। तो यहाँ टेल में सबसे पहले एक प्लेन वाशर पहले से था और उसके बाद हम इस बैरिंग को लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रेस मशीन है, इसी से हम इस टेल के बैरिंग को बैठाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसे ये बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा और इस पर चोट भी नहीं देना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैरिंग बहुत ही अच्छे से बैठ गया है।
तो ये टेल का बैरिंग अच्छे से बैठ गया है। अब यहाँ बॉडी में इसके कॉलर को बैठाएंगे, तो यहाँ ऐसे बैठा लेना है। तो हमने कॉलर को अच्छे से बॉडी में बैठा लिया है। दोस्तों अब टेल को लगाएंगे, तो यहाँ बेयरिंग पे हल्का ऑयल देने के बाद इसे हम ऐसे लगाएंगे। ये टेल हमारा यहाँ ऐसे रहता है। और दोस्तों ये टेल ऑयल सील है, इस ऑयल सील को यहाँ ऐसे लगाना है। तो सबसे पहले हम टेल को ऊपर करेंगे और ये एक सॉकेट है इसे लगाएंगे, उसके बाद बेयरिंग को लगाएंगे। यहाँ बेयरिंग को ऐसे लगा लेंगे। यहाँ ऐसे बेयरिंग को बैठा लेंगे। बेयरिंग को बैठाने के बाद इसके ऊपर से एक वाशर लगा हुआ था, ये ऑयल रिटर्नर, इसको लगा देंगे। और ऑयल सील में हल्का एनाबॉन लगाने के बाद इसे बैठा देंगे। तो यहाँ ऐसे बैठा लेना है। ऑयल सील बैठाने के बाद इस कपलर को लगा देंगे और फिर इस नट को अच्छे से टाइट करना है। इसे टाइट करके चेक करेंगे कि हमारा टेल अच्छे से घूम रहा है कि नहीं। तो यहाँ टेल के नट को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये टेल बहुत ही अच्छे से घूम रहा है, इसमें ज़रा सा भी प्ले नहीं है। अब दोस्तों क्राउन को लगाएंगे। तो यहाँ हम बेयरिंग प्लेट को खोलकर निकाल देंगे। और दोस्तों हमें क्राउन को सेट करना है, तो ये आप देख सकते हैं ये नया वाला बेयरिंग है। इधर का बेयरिंग ख़राब हो गया था तो हमने नया लगा दिया है। और दोस्तों इसके दोनों तरफ ये मोटे मोटे वाशर लगे हुए थे, तो यहाँ दोनों वाशर को लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ये जो मोटा वाला वाशर है ये बैठ नहीं रहा है, बैरिंग नया हो जाने के वजह से ये वाशर मोटा वाला नहीं बैठ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना गैप बच रहा है। तो यहाँ अब हम मोटे वाशर का आधा सीम लगा देंगे। तो यहाँ इस सीम को लगाकर चेक करते हैं। तो यहाँ हमने सीम लगा लिया है। यहाँ ऐसे हमें लगा लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्राउन हमारा बैठ गया है। अब बेयरिंग प्लेट को लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ जल्दी से बेयरिंग प्लेट को लगा लेते हैं। बेयरिंग प्लेट को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों बेयरिंग प्लेट को टाइट करने के बाद अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ थोड़ा चोट दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये क्राउन बॉडी नहीं घूम रहा है, बहुत ही टाइट है, कहीं कहीं जाकर फंस जा रहा है। तो ये हमारा सेटिंग सही नहीं है। तो अब हम बेयरिंग प्लेट को खोल कर निकालेंगे। तो आप वीडियो को बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये कैसे सही होगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने क्राउन बॉडी को निकाल लिया है।
तो दोस्तों ये जो नया बैरिंग लगा है इसे हम निकालेंगे। इस बैरिंग के पीछे सीम लगे हुए हैं, तो इस नए वाले बैरिंग को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ ऐसे बैरिंग को निकाल लेना है, तो ये बैरिंग निकल गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तीन सीम लगे हुए हैं, जिसमें से हम दो सीम निकाल देंगे और एक सीम को लगा रहने देंगे और बैरिंग को बैठा देंगे। तो यहाँ अच्छे से बैरिंग को बैठा लेते हैं। तो यहाँ हमारा बैरिंग अच्छे से बैठ गया। अब दोस्तों हम मोटा वाला ही सीम लगा कर इसे लगाएंगे। तो दोस्तों हमने मोटा वाला ही सीम लगाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैरिंग अच्छे से बैठ गया है। अब बैरिंग प्लेट को हम लगाएंगे। अब यहाँ बैरिंग प्लेट को टाइट करके फिर से हम चेक करेंगे। तो यहाँ जल्दी से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये हमारा टेल क्राउन बिल्कुल ही फ्री घूम रहा है। तो ऐसे हमारा सेटिंग ये हो गया। अब इसे हम लगाएंगे। तो दोस्तों इसमें अच्छे से एना बाण लगाने के बाद इसको लगा देंगे और यहाँ डिफरेंशियल का भी सफाई हम अच्छे से कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से साफ हो चुका है। तो दोस्तों हमारा ये टेल क्राउन बिल्कुल फिट हो चुका है। ये दोनों एक्सल भी हमारे लग चुके हैं। दोस्तों हमारा ये गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।